सऊदी अरब की खबर है। क्या जानते हैं वहां पर उनका जो एक नेशनल है, उनका एक नागरिक है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू को निशाना बना रहा था। वो हिंदू से कह रहा था कि तुम अपने धर्म को छोड़ो और इस्लाम कबूल करो, और उसे लगातार टारगेट कर रहा था। इस खबर के मुताबिक उस शख्स को सऊदी अरब में अरेस्ट कर लिया गया है। अब बताइए ना, सऊदी अरब तो पूरी तरह से मुस्लिम देश है कि नहीं? तो एक मुस्लिम देश चाहता तो इस हिंदू की शिकायत को पूरी तरह से अनसुना कर देता, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस देश के अंदर जब मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो सरकार अत्याचारियों का स्वागत करती है, उन्हें सम्मानित करती है, कभी कभार उनकी शिकायतों तक को अनसुना कर देती है। सऊदी अरब वो कर सकता था, मगर उसने नहीं किया। आप देख रहे हैं, उसे बाकायदा गिरफ्तार किया गया इस खबर के मुताबिक। अब मैं आपके सामने आंख खोलने वाले कुछ और खुलासे करने वाला हूं। आपकी स्क्रीन पर भारत के दो डिप्लोमैट्स हैं, एम्बेसडर केसी सिंह और नवदीप सूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों ने ट्विटर में क्या जानकारी दी है। सबसे पहले एम्बेसडर केसी सिंह क्या बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट। 1992 वो वक्त था जब भारत में बाबरी गिराया गया था। उसके बाद कुछ पाकिस्तानी स्कूल टीचर्स ने वहां पर भारत के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, कुछ भारतीयों को निशाना भी बनाने की कोशिश की। मगर क्या आप जानते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने 1992 में क्या किया? उन तमाम पाकिस्तानी स्कूल टीचर्स को डिपोर्ट कर दिया, उन पर कार्रवाई की। ये कोई और नहीं, हमारे अपने एम्बेसडर केसी सिंह कह रहे हैं। क्या बता रहा है ये कि संयुक्त अरब अमीरात हो या सऊदी अरब हो, इनके अंदर धार्मिक असहिष्णुता को लेकर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है, वो सीधे टारगेट करते हैं। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए जो डिप्लोमैट नवदीप सूरी ने आपके सामने पेश किए। नवदीप सूरी बता रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में किस तरह से वहां पर कानून जो है वो बहुत सख्त हैं इस तरह की असहिष्णुता को लेकर। इस ट्वीट के मुताबिक क्या बोल रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एंड देन देर वर थाउजेंड्स ऑफ इजिप्शियंस डिपोर्टेड फॉर सस्पेक्टेड मुस्लिम ब्रदरहुड अफिलिएशन पोस्ट 9/11 एंड अगेन आफ्टर द अरब स्प्रिंग। द रिकॉर्ड ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन यूएई इज प्रीटी कंसिस्टेंट। क्या बता रहा है नवदीप सूरी यहां पर? यह कह रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात ने किस तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े कई कट्टर लोगों को वहां से प्रत्यर्पित कर दिया था, देश से बाहर कर दिया था, क्योंकि 9/11 के बाद ये लोग कट्टर रवैया अपना रहे थे। तो आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कनाडा ये काम कर सकता है, संयुक्त अरब अमीरात ये काम कर सकता है, ये तमाम देश ये काम कर सकते हैं, तो भारत को किसने रोका? हम तो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं कि सभी धर्म समान हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, ये सब हमारे धर्म का हिस्सा है। तो हम अपने हिंदू धर्म को क्यों भूल रहे हैं? आखिर क्या हो रहा है कि हम हिंदू धर्म की जो असल सोच है उससे खुद को जुदा करते जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे वक्त जब इस देश में हिंदू हृदय सम्राट का राज है। आज ये सवाल क्यों ना पूछे जाए, बताइए। बात प्रधानमंत्री की हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नैम में समिट हुई और प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो नकली खबरें हैं, नकली वीडियोस हैं, वो हमारे लिए आज की तारीख में बहुत मुश्किल का काम कर रहे हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, पहले आप सुनिए। इवन एज द वर्ल्ड फाइट COVID-19, सम पीपल आर बिजी स्प्रेडिंग अदर डेडली वायरसेस सच एज टेररिज्म, सच एज फेक न्यूज and doctored videos to divide communities and countries। प्रधानमंत्री, मुझे आपकी बात बहुत अटपटी सी लगती है। इस देश के अंदर पिछले कुछ अरसे से, खासकर जब से हम कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं, हमारे देश का मुख्य धारा का मीडिया लगातार झूठी खबरें प्रचार और प्रसार कर रहा है, और इसका एक्सपोजे किसी और ने नहीं बल्कि हमारी अपनी पुलिस ने किया।
उत्तर प्रदेश पुलिस ने, योगी की उत्तर प्रदेश पुलिस ने न जाने कितनी ढेरों मिसालों के जरिए यह एक्सपोज किया है कि चाहे ANI हो, न्यूज 18 हो, न्यूज 24 हो, ये तमाम चैनल, जी न्यूज हो, झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट में देखिए, न्यूज 18 अपडेट दे रहा है कि किस तरह से उन्होंने गलत खबर चलाई थी, कायदे से इन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। अब मैं चाहता हूं कि आप टाइम्स नाउ की इस खबर पर गौर कीजिए। टाइम्स नाउ की इस खबर के मुताबिक, गवर्नमेंट सोर्सेज, ओनली केरला, राजस्थान एंड महाराष्ट्र मेड द माइग्रेंट्स पे फॉर रेलवे टिकट्स। यानी कि एक और सरकारी प्रोपेगेंडा कि सिर्फ केरला, राजस्थान और महाराष्ट्र ही जो गरीब मजदूर हैं, जो वापस अपने घर जा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। इनकी हकीकत दिखाने की कभी हिम्मत नहीं होने वाली है। और ये जो गवर्नमेंट सोर्सेस का इस्तेमाल न्यूज चैनल्स कर रहे हैं ना, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि गुजरात के जो विधायक हैं जगदीश पटेल, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो मजदूर हैं, गरीब जो वापस जा रहे हैं, उनसे पैसे लिए। सुनिए। इधर से सब लोग पेमेंट करके जाएंगे, इधर पेमेंट नहीं करना है, वहां स्टेशन पे जाके उसका पेमेंट होगा। करीब 710 प्लस जो भी होता है, मैं समझता हूँ 750 जितना होगा, वो पेमेंट देके वो जौनपुर तक जाएगा। अब आपके स्क्रीन पर अहमदाबाद मिरर की यह पड़ताल। अहमदाबाद मिरर ने करीब 20 लोगों से बात की और इन तमाम 20 लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि उनसे पैसे लिए गए। आज ये तमाम मुद्दे जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं, वो मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि मीडिया किस तरह से सुविधावादी तरीके से आपके सामने सच लाने की कोशिश करती है। जी हां, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि यह प्रोपेगेंडा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 2 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें मैंने कहा था कि केंद्र सरकार तब जाके हरकत में आई है जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जितने भी गरीब मजदूर अपने घर जा रहे हैं, हम उनके किराए का पैसा देंगे। तब जाके संबित पात्रा की तरफ से या उनके जैसे तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से यह प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगता है कि केंद्र सरकार 85% दे रही है। अब भारतीय रेलवेज गरीब मजदूरों से पैसा ले रही है, उसके खिलाफ संबित पात्रा ने यह प्रमाण पेश किया है। संबित पात्रा ये सरकारी दस्तावेज पेश करते हैं जिसमें